फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज बात करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी की, उसमें भी प्राइवेट जॉब्स की। गवर्नमेंट जॉब्स में तो सैलरी फिक्स होती है और विज्ञापन के साथ सैलरी डिटेल दिया जाता है, किसको कितना सैलरी मिलता है, तो वो तो ओपन होता है, सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो गवर्नमेंट का ऐड आता है तो उसमें सब लोग देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। लेकिन प्राइवेट जॉब्स में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहाल होते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता, वो ओपन नहीं करते कि कितनी। अक्सर यही होता है कि ओपन नहीं करते, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि 10 से 20 हज़ार, 20 से 50 हज़ार तक सैलरी, लेकिन ज़्यादातर में यही होता है कि सैलरी इंटरव्यू के वक्त तय होता है प्राइवेट कंपनी में। तो इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी जान लेंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और निगोशिएशन के दौरान जो कि इंटरव्यू के वक्त होता है तो उसमें बहुत फ़ायदा रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के भी। और यह वीडियो जो है से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा हैं या एमटेक हैं, एमई किए हुए हैं, वो अगर इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही उन्हें भी फ़ायदा होगा जो अपने बच्चों को या रिश्तेदार को या फ्रेंड्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, या कंफ्यूज हैं कि किस ब्रांच में उनका एडमिशन करवाएं, किस ब्रांच से इंजीनियरिंग करवाएं, सिविल से करवाएं, इलेक्ट्रिकल से करवाएं, मैकेनिकल से करवाएं, कौन सा अच्छा रहेगा, तो उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इसको सुन रहे हैं, पूरा का पूरा सुन ले ताकि एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का प्राइवेट कंपनी में सैलरी कितना है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो सरकार की पॉलिसी है, तो प्राइवेट कंपनी में ही काफ़ी अवसर रहते हैं अभी सभी पोस्टों के लिए। तो इसको एक बार पूरा सुन लीजिए। और एक कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, तो उसके ज़रिए मुझको कुछ सैलरी डिटेल्स मिला है उसके एम्प्लॉयज़ की, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उसको आप सुनेंगे तो इसका फ़ायदा ज़रूर आपको पहुँचेगा। एक ट्रेनी इंजीनियर है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसकी सैलरी कंपनी ने दिया है 12,000 रुपये पर मंथ, और साथ में उसको एकोमोडेशन भी मिला हुआ है, बैचलर एकोमोडेशन। तो ये तो ट्रेनी इंजीनियर का हो गया। और बीच में इनका कुछ इंजीनियर वो अपने उस प्रोजेक्ट पे तो नहीं है जहाँ से ये सैलरी डिटेल प्राप्त हुआ है, एक असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट है उनका, इलेक्ट्रिकल के ही है, 10 से 12 साल उनका एक्सपीरियंस होगा, वो एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूशन का काम वो मतलब साइट पे ही देखते हैं। तो उनकी सैलरी अच्छी खासी है, 80,000 रुपया है, प्लस बैचलर एकोमोडेशन उनको मिलता है। एक और असिस्टेंट मैनेजर हैं इलेक्ट्रिकल की, लेकिन वो हेड ऑफिस में बैठते हैं और डिजाइनिंग में है, वो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट का डिजाइन वगैरह करते हैं, तो उनकी सैलरी है 60,000 पर मंथ। तो उनको एकोमोडेशन तो नहीं, क्योंकि वो अपने घर पे रहते हैं, तो सैलरी उनकी 60,000 है, एकोमोडेशन नहीं है, क्योंकि वो एकोमोडेशन कोई अगर सेम टाउन में रहता है तो अपने यहाँ रहना पसंद करता है, एकोमोडेशन का डिमांड भी नहीं करता है, फैमिली के साथ रहना पसंद करता है। एक पोस्ट अपने यहाँ पीएम का है, तो इलेक्ट्रिकल साइट भी है, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल के ही पीएम है, प्रोजेक्ट मैनेजर है। एक बात आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्राइवेट जॉब्स में डिप्लोमा और डिग्री का उतना फ़र्क नहीं है ये सैलरी तय करने में। सैलरी में आपका जो मेरिट है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे गवर्नमेंट में है तो कुछ गवर्नमेंट का फिक्स रूल है, डिग्री के जगह डिप्लोमा को कंसीडर नहीं कर सकते, वहाँ पे लिख देते हैं कि हमको डिग्री चाहिए। लेकिन इसमें प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास मेरिट है तो डिग्री हो या डिप्लोमा है तो वो कंपनियाँ बहाल कर लेती हैं, वो कोई फास्ट रूलिंग का नहीं रहता है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उस कंपनी के जहाँ से ये डिटेल प्राप्त हुआ है, वो डिप्लोमा होल्डर ही हैं, 20 साल एक्सपीरियंस है, और उनकी सैलरी है 1,45,000 पर मंथ। उनका भी साइट के आसपास ही घर है, तो उनको एकोमोडेशन में वो नहीं रहते, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का है। एक पोस्ट डीजीएम करके आए हैं,
तो उनकी सैलरी है 1,53,000, उनका एक्सपीरियंस करीब 22 साल का है। तो ये हो गया, कंपनी के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उनको पोस्ट मिला हुआ है, वो भी साइट वाले शहर में ही रहते हैं, हालांकि साइट पे वो कभी कभी विजिट करते हैं, वो अपने गेस्ट हाउस से ही सारा काम देखते हैं, और कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो विजिट करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, ये तो ये सब सारा कंट्रोल करते हैं। उनका करीब 25 साल एक्सपीरियंस होगा। उनकी सैलरी है 2 लाख रुपये पर मंथ, साथ में कंपनी ने गाड़ी भी दे रखी है और उनको प्लस एकोमोडेशन भी दे रखी है। वो एकोमोडेशन का जो है वो रेंट ही करीब 40,000 रुपये पर मंथ है, तो अच्छा खासा सैलरी है इस लाइन में। मैं भी जब तक कि ये सच्चे स्रोत से हमको सूचना नहीं मिली थी तो हम भी यकीन नहीं कर सकते थे कि इतनी सैलरी के लिए तो लोग गल्फ वगैरह जाते हैं। तो इतनी सैलरी अगर इंडिया में प्राइवेट कंपनी में मिल रही है तो अच्छा खासा है, तो अगर ये सैलरी हमको मिल जाए तो फिर गल्फ में उतना दूर कौन जाएगा। तो एक और पोस्ट है, ये CPM है, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनकी सैलरी आप सुन के और दंग रह जाएंगे, इस इनसे भी ज़्यादा है। वो 2.5 लाख रुपये उनका पर मंथ सैलरी है और 30 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि दूसरी कंपनियां में सैलरी कम बेसी हो सकती है, मैं एक कंपनी का बात किया, और ये मैं जैसे जो साइट रिलेटेड पोस्ट हैं और या फ्रेश रिक्रूटमेंट है तो वो एक क्लाइंट के डिमांड पे भी रहता है कि उनको एक, और यहाँ पे क्लाइंट गवर्नमेंट है तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि हमको ये क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन पाने के लिए कुछ ज़्यादा सैलरी भी कंपनियाँ देती है कि वो क्राइटेरिया पूरा करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन कुछ चीज़ों में मायने रखती है और कुछ चीज़ों में टैलेंट मायने रखती है। अब जैसे सिर्फ उनको क्वालिफिकेशन दिखाना है, क्राइटेरिया रखा है, तो क्वालिफिकेशन के नाम पे भी सैलरी देना पड़ता है, और फिर काम करने के लिए टैलेंट वालों को भी रखना पड़ता है, तो उनके पास अगर कम कम क्वालिफिकेशन है, टैलेंट ज़्यादा हो तो उनको भी वो अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दिया है, तो इससे आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप खुद इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग है किए हुए हैं, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, एमटेक हो, एमई हो, या और आपके जो करीब में हैं, आपके कंसर्न में जो भी पर्सन हैं, रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी ये आइडिया दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ हुआ होगा ये वीडियो। तो जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और जो भी आप इससे रिलेटेड हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।